हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टडी में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। आज ही ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। पेपर का कोड रहेगा PSY100, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है, बता देता हूँ आपको। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर कराया गया था, 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, जिसमें से एक नंबर का यानी कि एक क्वेश्चन का जो नंबर है आपका डेढ़ नंबर मिला है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी में विभाजित किया। राइट आंसर आपको याद है, कार्ल यूंग ने किया है, बी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप लोग अपने आंसर मैच कर लेंगे जिसके इस क्वेश्चन पेपर में से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन अगर आपने किए ना तो बहुत अच्छी बात है, 50 में से 30 क्वेश्चन किए तो एवरेज आपका रहेगा। ठीक है, यानी कि 17 क्वेश्चन आपको पास के लिए चाहिए, इस बात को याद रखेंगे, तो 17 से ऊपर आपका होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना एवरेज देख लेंगे और मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और एक छोटा सा काम ये करेंगे कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी को क्लास आपको शेयर कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिवृत्ति कितने तत्वों से मिलकर बनी है। राइट आंसर आपको लगा देना, 3 तत्वों से मिलकर बनी है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गार्डन अल्पोर्ट ने शील गुणों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। वो 3 स्तर कौन से हैं? कार्डिनल हो जाएगा आपका, सेंट्रल हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि तीसरे का ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रायड के अनुसार डैश का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है, अचेतन मन का। ठीक है, अचेतन मन का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉट इज़ एटीट्यूड, यानी कि अभिवृत्ति क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है, किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन या फिर तरीका जो होता है उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कम आत्मसम्मान वाले छात्र प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? टालमटोल करना प्रदर्शित करते हैं, फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, ए और बी दोनों सही है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है, एक्टोमॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश फील्ड प्रेक्षक का पता इंगित करता है, यानी जिसने ईमेल भेजा है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है, फ्रॉम। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बन कॉपी का क्या उपयोग है। तो कार्बन कॉपी का उपयोग है प्राप्तकर्ता सीसी में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्यमान होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब मैं दूसरे व्यक्ति को सुन रहा हूँ तो सही शारीरिक भाव भागीमा क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना, मैं अक्सर थोड़ा आगे झुकता हूँ और अपने शरीर को स्वीकार की ओर करता हूँ। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एक परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो दोस्त को नहीं माना जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बातचीत शुरू करते समय आमतौर पर, तो बातचीत शुरू करते समय आमतौर पर छोटी सी बात के साथ नई बातचीत को वार्म अप करता है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी प्रेक्षक होने में बाधक है। राइट आंसर आपको लगाना है, सांस्कृतिक मतभेद, टी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभावी मुख्य संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे वे लिखित हो या मौखिक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है, मैं संदेश यानी कि आई मैसेज, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है, अस्पष्टता, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रभावी संचारक की योग्यता का आकलन इन आधारों पर किया जा सकता है। तो किस आधार पर किया जा सकता है? लक्षित दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोगों और संगठनों के बीच जानकारी को संप्रेषित करने और समझने की क्षमता को
के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, संचार के रूप में जाना जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संदेश भेजने का वैध तरीका है, तो ये सभी हो जाएंगे डी आपका करेक्ट आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रेक्षक कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आमतौर पर संचार डैश होता है जिसमें सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है पारस्परिक होता है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अलावा भाव भागिमा और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके बातचीत करते हैं, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेटवर्क जिसमें संगठन के सदस्य किसी के भी साथ संवाद कर सकते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है विकेंद्रीकरण नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाव प्रदर्शन अशाब्दिक चेहरे और शरीर की गति होती है जिन्हें उपयोग किया जाता है, तो जिन्हें उपयोग किया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भावना व्यक्त करने के लिए, यानी कि दोनों के लिए सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गतिशील अशाब्दिक संचार के तत्वों को संदर्भित करता है जो बातचीत के दौरान डैश होता है, जो बातचीत के दौरान स्थिर होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैप्टिकस विशिष्ट अशाब्दिक व्यवहारों के अध्ययन को संदर्भित करता है जिसमें शामिल हो जाएगा दृष्टि, स्पर्श, श्रवणशी के, यानी कि उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुभवात्मक सीवी है, तो अनुभवात्मक सीवी जो होता है वो क्या होता है, सीवी में कार्य अनुभव का विवरण होता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाजोन्स के अनुसार अभिवृत्ति कैसे बनते हैं, जाजोन्स के अनुसार अभिवृत्ति जो है मात्र प्रदर्शन से बनते हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बी डबल सी का पूर्ण रूप हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है, तो आत्मविश्वास निर्माण में आपका शामिल हो जाएगा यहाँ पे ये सभी, डी आपका करेक्ट आंसर, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्कूल के घंटों के दौरान मीटिंग के दौरान सही सेलफोन रिंग सेटिंग है, तो क्या हो जाएगी, कंपन या बंद, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है डिजिटल मार्केटिंग, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा, ठीक है, 32 में थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा, तो इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट्स में कर देंगे, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा, ठीक है, इंतज़ार में करूँगा आपके कमेंट का, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हम काम करने में विलम्ब क्यों करते हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ की समस्या, ठीक है, असफल होने का डर नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल है, राइट आंसर आपको लगना है मनोविक्षिप्तता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी अजनबी को ईमेल करते समय आप एक उपयुक्त अभिवादन होगा, तो आप उसको हेलो कह सकते हैं या फिर नमस्ते हाय कह सकते हैं, तो बी या डी में से कोई आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समय प्रबंधन कौशल में आपका शामिल क्या होगा, राइट आंसर आपको लगाना है लचीला होना, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपको लगाना है ए हो सकता है या फिर आपका सी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी मैं जो दूंगा आपको सी को दूंगा, यानी कि POP3 को दे दूंगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है उन उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें हासिल करना आसान था, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यथार्थवादी लक्ष्य शब्द का अर्थ है, तो यथार्थवादी लक्ष्य शब्द का अर्थ हो जाएगा लक्ष्य कठिन होना चाहिए लेकिन फिर भी प्राप्त होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है डिजिटल साक्षरता, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत विकास गतिविधियों में गतिविधियां शामिल हैं, तो क्या हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक कथन है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, दृष्टि के डैश घटक का एक उदाहरण है, तो इस दृष्टि के घटक का उदाहरण आपका हो जाएगा
यहाँ पे संज्ञानात्मक, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्वास मत ज्ञान संवेग भाव इरादा निम्न के घटक है, तो ये सभी किसके घटक हैं? राइट आंसर आपको लगाना है मनोवृत्ति के घटक हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लक्ष्य निर्धारक के पांच मूल सिद्धांत, तो लक्ष्य निर्धारक के पांच मूल सिद्धांत कौन से हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है स्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया और आपको यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, यानी कि ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है? राइट आंसर आपको लगाना है ईदम होती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समय प्रबंधन रणनीतियों में शामिल है, समय प्रबंधन रणनीतियों में आपका शामिल हो जाएगा ए और बी दोनों, निगरानी और योजना, लक्ष्य निर्धारण, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आत्मविश्वास एक डैश माप है, तो आत्मविश्वास जो होता है आपका ट्रेट माप होता है, यानी कि शील गुण का माप होता है, आत्मविश्वास एक शील गुण माप है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है आत्मविकलांगता, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलियट और मैकग्रेगर 2001-2 के शोध से पहले लक्ष्यों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था सिवाय किसके? राइट आंसर आपको लगाना है प्रदर्शन, परिवहन, लक्ष्य के, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आत्मसम्मान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय करना, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा, आपने कितने अचीव किए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर